अरे कमला, बहू लाने वाली हो तो वो गलती मत करियो जो मैंने करी। अरे मैंने तो बहू को बेटी समझने की गलती ही कर दी, और आज देखो कैसे सर पे चढ़ के नाच रही है। सही बोल रही है ये। अरे बहुओं को डे वन से कंट्रोल में रखो कि भाई यहाँ आ गई है तो ठीक है, अब ज्यादा फैलने की जरूरत ना है, क्योंकि ये अपन का एरिया है। क्यों? हाँ हाँ सही बोल रही है, ये बहुओं को ज्यादा प्यार से बात करो तो सर पे चढ़ के नाचती हैं। अब मेरी वाली को ही देख लो, बेटी माना था बेटी जी। तो ये कहानी है कमला की, जिसके इकलौते बेटे की शादी होने वाली है, लेकिन शादी से पहले उसे कैसी कैसी सलाह मिल रही है। देख रहे ना आप कि बहू को काबू में कैसे रखना है। अरे जी बहू कोई गधा घोड़ा तो है नहीं कि उसे काबू में कैसे रखियो। हाँ अगर आपने सब कुछ हमसे ही सुन लिया तो आगे क्या देखेंगे कहानी में। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। कमला देवी सबकी बातें सुन रही थी, लेकिन यहाँ तो सभी समस्याएं ही डिस्कस कर रही थी, कोई उपाय तो बता नहीं रहा था। तभी एक समझदार सी बुढ़िया आती है और देखो बहू को काबू में रखना है तो सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। सभी बुढ़िया पर उम्मीद से देखते हैं और सोचने लगते हैं कि मिल गया सॉलिड तरीका। देखो अगर बहू को काबू में रखना है तो सीधी सी बात है, सिर्फ वो मत करियो जो वो चाहती है। हाँ हफ्ता 10 दिन में एक बार करोगी ना तो उसे कदर होगी, देवी समझेगी तुझे। हाँ पहले ही सर पर चढ़ाया तो फिसल जाएगी, समझी? हाँ अब तो कमला की समझ में अच्छे से आ गया कि बहू को काबू में कैसे रखना है। तो चलिए जी कुछ दिन बाद बेटे की शादी हो जाती है और घर आती है बहू। माँ बहुत अच्छा घर देखा है आपने मेरे लिए, छोटा सा परिवार है बस बेटा और माँ। बेटा छोटा परिवार है, तुम्हें ज्यादा लोगों को खुश रखने की जरूरत नहीं है, बस एक सास ही तो है, उसकी हर बात मानना और जैसे मेरी सेवा करती थी वैसी ही उसकी सेवा करना। हाँ माँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे देखने में वो बहुत अच्छी लग रही है, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी महंगी वाली साड़ी और ज्वेलरी गिफ्ट में भी दी है। माँ भी बेटी के संस्कार सुनकर खुश हो जाती है। अच्छा माँ चलती हूँ, मैं अपनी सासू माँ के कमरे में जा रही हूँ, थोड़ी देर उनके पास बैठूंगी। बहू सास के कमरे में चली जाती है और उसके पैरों की जानिब बैठ जाती है। माँ जी अगर किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बताइएगा। हाँ हाँ तुझे ही बताऊंगी ना, मैंने कौन सा यहाँ पर नौकरानी पाल रखी है, अब जा जरा मेरे लिए चाय लेकर आ। बहू को तो सास से बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी, वो तो सास को माँ का दर्जा देने चली थी, लेकिन सास ने तो उसे नौकरानी से तोल दिया। सही सुना था मैंने ये सासों के बारे में, पता नहीं किस मिट्टी की बनी होती है ये, शांति रासी नहीं आती इन लोगों को। अब कब से बोल रही हूँ मम्मी जी मम्मी जी, तो ये मुझे नौकरानी बना रही है। तभी सास की आवाज आती है, बहू पगला गई हो क्या, ये क्या अकेले में बड़बड़ा रही हो, एक कप चाय बोला था वो भी अभी तक पहुंची नहीं है। ला रही हूँ माँ जी, अब चाय बनाने में वक्त तो लगता है ना, मैंने कौन सा पानी चीनी पत्ती उबाल के रखा हुआ था। हाय रे, बहू के मुंह से इतनी बात सुनकर सास के तो पांव तले से जमीन निकल जाती है। अरे अरे क्या कैंची की तरह जुबान चलती है तेरी, माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? माँ ने तो बहुत कुछ सिखाया था माँ जी, लेकिन लगता है आपको घर का कुछ और ही माहौल पसंद है। ज्यादा बोल मत वरना जुबान खींच लूंगी, समझी? फोन की तार नहीं है मेरी जुबान जो खींच लेंगी आप। बहू सास को चाय ला कर देती है और अपनी चाय लेकर अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं कैसी औरत है, सोचा था इकट्ठे बैठ कर चाय पियेंगे, लेकिन अपने कमरे में अकेले बैठकर चाय पीनी पड़ रही है। बड़ी आई, अरे जरा तमीज नहीं है, अब आप ही बताइए ऐसी बहुओं से कौन मोहब्बतें करेगा,
माए तो इनकी मैं कैसे ही सास बुरी बला है, सिखा कर ही भिजवा दी है। वहीं बहू अब अपने काम से काम का मतलब रखने लगी और सास बहू पर अत्याचार। बहू देख, अब यहाँ ये सूट फूट नहीं चलेगा, ये मेरा घर है, तेरे मैके का आंगन नहीं है जो तू सूट पहनकर पुदकते फिरे। और हाँ, सर पर पल्ला भी होना चाहिए। सास सोचती है कि कुछ दिनों के बाद मैं सर पर पल्ला रखने से खुद ही मना कर दूंगी और फिर वो समझेगी कि मेरी सास देवी है देवी। लेकिन ये क्या, अगले ही दिन, अरे बहू ये क्या पहना है, शर्म नहीं आ रही तुझे? शर्म कैसी माँ जी, सारा तो ढका है। अरे क्या जीन्स का रंग ठीक नहीं और टी शर्ट क्या ज्यादा टाइट है? अरे बहू तुझे तो साड़ी पहनकर आने के लिए कहा था ना, और पल्लू ओढ़ने के लिए, तू तो उससे भी गई। सासु माँ आप जुबान से गिरी तो मैं कपड़ों से, वैसे गिरी तो हम दोनों ही हैं। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए कहानी का नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।